गुड आफ्टरनून क्लास। दिस इज अर्पी फ्रॉम दिस साइड। हाउ आर यू ऑल? फाइन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो नाउन चल रहा था, ठीक है ना? हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, जिसके बारे में हम लोग अभी नाउन के टाइप्स पढ़ चुके हैं, नाउन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, है ना? नंबर्स भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो है नंबर, सॉरी नंबर हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है? नाउन का ही टॉपिक है, नाउन एंड द नंबर, ठीक है? तो नंबर मैथ्स वाला नंबर नहीं है, ये इंग्लिश वाला नंबर है, ठीक है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं वचन। हाँ, सब लोग लाइव आ जाइए, ठीक है? इफ अ नाउन, देखिए नंबर है क्या पहले तो आप देख, ठीक है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। अगर एक नाउन बताता है एक या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है? यानी कोई नंबर, अगर मान लीजिए कोई भी नाउन किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा है या एक से ज़्यादा के बारे में, दो के बारे में बता रहा है या दो से ज़्यादा के बारे में बता रहा है, तो उसको बोला जाता है नंबर, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बॉय, तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है? एक बॉय है, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए हो जाए बॉयज़, यहाँ पर आपको एक बताया जा रहा है कि कोई वन बॉय है, लेकिन यहाँ पर दो हैं या दो से ज़्यादा पता लग रहा है। अ गर्ल, गर्ल्स। अ पेन, पेंस। अ टेबल, टेबल्स। बहुत ही ईजी है ये, तो आप लोग स्टार्टिंग मतलब तो सभी जानते हैं ना, तो ये बहुत ईजी है। लेकिन कुछ और क्लूज हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले। तो पहले तो आप देखते हैं कि काइंड्स ऑफ नंबर, यानी कि नंबर के टाइप्स कितने। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ नंबर? तो फर्स्ट है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, ठीक है? सिंगुलर मतलब सिंगल, यानी कि कोई एक चीज, ठीक है? कोई वन थिंग या वन ऑब्जेक्ट। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, अगर कोई नाउन किसी एक चीज के बारे में बताता है, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन, ठीक है? उसको बोला जाता है सिंगुलर नाउन। जैसे कि आ स्टूडेंट, आ जो है वो एक को इंडिकेट कर रहा है, आ एक आर्टिकल है, तो आ स्टूडेंट, आ वुमेन, अ पेन हो सकता है, अ बुक हो सकता है ना, अ स्कूल, अ चेयर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स के हो सकते हैं। तो यानी कि सिंगुलर नंबर में क्या होता है कि जिस जब कोई नाउन हमें एक चीज़ के बारे में बता रहा है तो वो हमारा सिंगुलर नंबर है, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स के हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये सारे क्या है हमारे सिंगुलर नाउन नंबर, सॉरी। अब है प्लूरल नंबर। व्हाट इज प्लूरल नंबर? प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन, ठीक है? इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यानी जब कोई नाउन एक से ज़्यादा के बारे में बताता है ना, या फिर दो के बारे में बताता है। If a noun tells about two or more than one, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा के बारे में बताता है, it is called plural number. जब कोई noun दो या दो से ज़्यादा के बारे में बताता है तो उसको कहा जाता है plural. जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है student, यहाँ पे a student लिखा हुआ है, यानी कि एक student, लेकिन यहाँ पे students लिखा हुआ है, तो जैसे ही s ऐड हो रहा है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म में आ रहा है? प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? यहाँ लिखा है विमेन, अब विमेन का जो प्लूरल हो जाएगा वो एम ई एन, यानी कि ई ऐड हो जाएगा, यानी एक एक ही जगह पे ई आ जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, अब कुछ रूल्स हैं जिनको हम कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, है ना? रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इंटू प्लूरल प्लूरल नाउन, ठीक है? यानी कि एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं वो इसमें देखेंगे। तो रूल नंबर वन क्या है? ये बहुत ही इजी रूल है और ये सबसे इजी है, यानी सबसे आसान यही रूल है और सबको पता भी है, ठीक है? तो क्या है, जनरली
एस इज एडेड इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन टू मेक प्लूरल नाउन। साधारणतः जनरली क्या होता है कि किसी भी प्लूरल नाउन को बनाने के लिए हम वर्ड में यानी किसी नाउन में एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसकी फ्रेंड है तो ऐड हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, डोर हो जाएगा डोर्स, अपार्टमेंट अपार्टमेंट्स, पेन हो जाएगा पेंस, पेन हो जाएगा पेंस, बुक हो जाएगा बुक। लेकिन इतना इजी तो पॉसिबल नहीं है ना एग्जाम में आना, बट हमें रूल्स पता होने चाहिए, है ना। तो ये बहुत ही इजी है, यानी कि किसी भी वर्ड में आप किसी भी नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल तो सबसे इजी है। अब नेक्स्ट रूल नंबर टू देखिए। इफ द नाउन लेटर ऑफ एनी सिंगुलर नाउन इज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड होता है, देन इट इज देन इज आ एडेड ई एस, सॉरी ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल नाउन। फिर देखिए, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी नाउन इज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, देन ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल नाउन। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी नाउन सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर जो है एस होता है, डबल एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, एक्स होता है या फिर जेड होता है, ठीक है, लास्ट का लेटर, तो उनको चेंज करते हैं हम ई एस में। एग्जाम्पल बेंच, तो देख रहे हैं आप सी एच लास्ट में आ रहा है, इसमें लास्ट में क्या है सी एच, तो जब सी एच लास्ट में आ रहा है तो उसके बराबर में क्या ऐड हो जाएगा ई एस, तो हो जाएगा बेंच का बेंचेस। ब्रांच आप देख रहे हो इसमें भी सी एच आ रहा है, क्या हो जाएगा ब्रांचेस। क्विज, क्विज का क्या हो जाएगा क्विज, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस मान लीजिए बस लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो लास्ट में एस आ रहा है, क्या हो जाएगा बसेस। वुश आप देख रहे हो लास्ट में डबल एस आ रहा है, क्या हो जाएगा बुशेस। लास्ट में एस एच जैसे कि फिश, क्या हो जाएगा फिशेस। एक्स यानी कि फॉक्स आ रहा है लास्ट में, मान लीजिए क्या हो जाएगा फॉक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है, जिसमें हमें सिर्फ क्या ऐड करना है ई एस। तो रूल्स क्या है कि जिस भी लेटर के यानी सिंगुलर नाउन के जो लेटर है उनमें लास्ट में एस आ रहा है, डबल एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच है या एक्स है या वाई आ रहा है, सॉरी जेड आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा वहाँ पर हमें ई एस का ऐड करना है, यानी ई एस इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो दो रूल क्लियर है, फर्स्ट में एस हमें जोड़ना है, सेकेंड वाले में ई एस जोड़ना है। ठीक है, थर्ड देखिए अब रूल नंबर थ्री। इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी कॉमन नाउन इज बाय, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज बाय एंड कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर बाय, देन आई एस इज एडेड इन प्लेस ऑफ बाय। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर जो है वो क्या है बाय है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट बाय से पहले आ रहा है, किससे आ रहा है कॉन्सोनेंट बाय से पहले आ रहा है। वॉवल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं ना आप लोगों ने, हाँ, तो वॉवल कितने होते हैं पांच, ए ई आई ओ यू, तो इनके अलावा जो आपके अल्फाबेट्स में बचता है लेटर वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन में लास्ट लेटर बाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी इनको छोड़कर कोई भी अल्फाबेट आ रहा है, देन आई एस इज एडेड इन प्लेस ऑफ बाई, तो वहां पर बाई की जगह पर आई एस को ऐड किया जाएगा। ठीक है,
बाई ई एस की जगह पर क्या लगा देंगे, आई ई एस। देखिए जैसे ड्यूटी लिखा हुआ है तो आप देख रहे हो ये बाई है और बाई से पहले ये टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है ना, तो इसीलिए बाई को हटाकर क्या लगाया गया है, आई एस का यूज किया गया है। ड्यूटीज, नर्सरी, ये बाई है इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा ये, नर्सरीज। सिक्योरिटी, आप देख रहे हो ये बाई है इससे पहले कॉन्सोनेंट है क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज, है ना, आई एस का यहाँ पे यूज हो रहा है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए पार्टी लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, देख रहे हो बाई लिखा हुआ है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हो जाएगा पार्टी। ठीक है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, यानी कि फिर समझ लीजिए एक बार, कि अगर कोई हमारा सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर वाई है और बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमें उसको चेंज करना है आई एस में। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द लास्ट लेटर, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी कॉमन नाउन इज ओ एंड कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ देन इट इज एडेड, देन ई एस इज एडेड, देर आर सम एरर्स, सॉरी फॉर दिस। इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर नाउन, अगर किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ होता है, क्या होता है, ओ होता है एंड कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ, और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, ओ से पहले भी कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, देन ई एस इज एडेड, तो क्या होगा, ओ के साथ में ई एस को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मोटो हो जाएगा मोटोज, आप देखिए ओ है, ओ क्या है, एक वॉवल है ना, लेकिन लास्ट में क्या है, कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ लास्ट में ओ आ रहा है और ओ के साथ में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी टी आ रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है ओ के साथ में ई एस का ऐड करना है। ठीक है, यानी कि मोटो का हो जाएगा मोटोज। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो पक्षी होता है वो, तो फ्लैमिंगो, आप ओ देखिए लास्ट में ओ है, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उससे पहले जब कॉन्सोनेंट है तो उसको चेंज कर देंगे, फ्लैमिंगो लिखा है ई एस और ऐड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा फ्लैमिंगोज। ठीक है, इको, एक साउंड को बोलते हैं तो ये हो जाएगा इकोज, क्या, इकोज। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लास्ट में ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट है इसीलिए इसमें ई एस को ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 5, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन इज एफ और एफ, अगर किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, क्या, लास्ट लेटर एफ होता है या फिर एफ ई होता है, मान लीजिए कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है उसका लास्ट लेटर आपका एफ है या एफ ई है, देन बी ई एस इज एडेड टू रिमूव, टू रिमूव एफ और एफ ई, तब क्या होता है कि बी ई एस को ऐड किया जाता है और एफ और एफ ई को हटा दिया जाता है। ठीक है, कि फिर से देखिए कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, क्या, लास्ट लेटर एफ और एफ ई होता है, ठीक है, मान लीजिए लास्ट में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है तो उसको हटाकर बी ई एस का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे काल्फ हो जाएगा काल्फ, देख रहे हो आप एफ लिख यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो उसको हटाकर बी ई एस का यूज किया गया है। नेक्स्ट हाफ, हाफ, सेल्फ, सेल्फ, एल्फ, एल्स, तो देख रहे हो आप इसमें बी ई एस का यूज हो रहा है ना। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, जनरली एस इज एडेड इन द मेन वर्ड ऑफ सिंगुलर कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन, कॉम्प्लेक्स नाउन होते हैं तो उन बहुत सारे नाउन होते हैं, तो इसमें जनरली एस इज एडेड इन द मेन वर्ड ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है कि जनरली एस जो है एड किया जाता है मेन वर्ड,
यानी जो सिंगुलर कंपाउंड नाउन है उनके साथ के जो उनका जो मेन वर्ड होता है उसमें एस ऐड किया जाता है। देखिए ये स्टेप और सन दो वर्ड्स है सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, तो इनके साथ में जो हमारा मेन वर्ड होगा, मेन वर्ड क्या है बेटा यानी कि सन जो मेन वर्ड है, तो इसमें क्या होता है जो मेन वर्ड होता है उसके साथ में एस को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्टेप ब्रदर, इसमें मेन वर्ड क्या है ब्रदर, इसीलिए स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। ठीक है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ तो हो जाएगा फादर्स इन लॉ, क्योंकि मेन वर्ड क्या है आपका फादर है ना, मेन वर्ड क्या है फादर है। पासर्स बाय ग्राहगीर जो है पथिक, पासर्स बाय यानी कि मेन वर्ड क्या है पासर्स, ये मेन वर्ड है आपका तो हो जाएगा पासर्स बाय। कोट ऑफ मेल यानी कि आर्मर जो होता है यानी कि कवच कह सकते हैं, तो कोट ऑफ मेल इसमें मेन वर्ड क्या है कोट, इसलिए इसमें हम एस को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें एस जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पिक पॉकेट क्या है, पिक पॉकेट तो हो जाएगा पिक पॉकेट की मेन वर्ड क्या है आपका, मेन वर्ड यहाँ पर पॉकेट है इसीलिए पिक पॉकेट्स यहाँ पर हो जाएगा, पॉकेट के साथ में एस लग जाएगा। पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा यानी कि ठग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है, बोल रहा है सम कंपाउंड नाउन्स आर दोज वेयर बोथ वर्ड्स आर चेंज्ड, यानी कुछ कंपाउंड नाउन कुछ मिश्रित जो मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके दोनों वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि दो वर्ड्स दे रखे हैं तो दोनों वर्ड्स को क्या होता है उनको चेंज कर दिया जाता है, जैसे कि विमेन सर्वेंट। अब इसमें देखिए यहाँ पे ए आएगा अभी, ठीक है सिंगुलर नाउन है ना, तो विमेन सर्वेंट अभी ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, लेकिन अब जब हम इसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो विमेन का हो जाता है विमेन और सर्वेंट का सर्वेंट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इनमें दोनों को चेंज किया गया है। ठीक है, लॉर्ड जस्टिस यानी कि जो न्यायाधीश न्याय करने वाले जो होते हैं लॉर्ड जस्टिस, ठीक है तो यहाँ पर लॉर्ड जो है उसको भी चेंज किया जाएगा और आपका जस्टिस को भी चेंज किया जाएगा, तो लॉर्ड का हो जाएगा लॉर्ड्स और जस्टिस का हो जाएगा जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट आप देख रहे हो मैन का जो प्लूरल होता है वो एम ई एन होता है ना, वेमेन का एम ई एन होता है, जेंटलमैन का जेंटलमैन होता है ना, तो आप देख रहे हो ये सिंगुलर है और प्लूरल है, सिर्फ एक वर्ड एक लेटर के चेंज होने से ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट का मैन और सर्वेंट हो जाएगा, लॉर्ड लेफ्टिनेंट इसका जो नेवी वगैरह जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बोला जाता है, तो ये जो है लॉर्ड लेफ्टिनेंट का हो जाएगा लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट। ठीक है, मैन टीचर, मैन का भी मैंने बताया तो मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन और टीचर का टीचर्स। ठीक है, क्लियर है, नेक्स्ट रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 सम कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वेयर एस इज एडेड इन द लास्ट वर्ड, कुछ कंपाउंड जो वर्ड्स होते हैं कंपाउंड वर्ड्स वो ऐसे होते हैं जिनके लास्ट वर्ड में एस को ऐड किया जाता है ना, कंपाउंड मतलब कुछ ऐसी स्पेलिंग जो दो तीन वर्ड से मिलकर बन रही है। ठीक है, जैसे कि फॉरगेट मी नॉट, ठीक है एक तरह का फ्लावर होता है ब्लू कलर का तो उसको बोलते हैं फॉरगेट मी नॉट। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एक पूरा तीन वर्ड से मिलकर बना है लेकिन इसका मीनिंग एक ही है, तो ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ में एस को ऐड कर दिया जाता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसके साथ में एस को ऐड कर दिया जाता है। गो बिटवीन किसी बीच की एरिया को बोला जाता है किसी बीच के मध्यस्थता को बोला जाता है, तो गो बिटवीन का हो जाएगा गो बिटवीन्स, क्योंकि ये भी एक वर्ड है
जो दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा, गो बिटवीन्स, पिक मी अप, है ना, जिसको वाइन बोला जाता है या फिर मदरा बोल सकते हैं, तो पिक मी अप। तो मैंने अभी बताया कि पिक मी अप, लास्ट वर्ड क्या है, एस, तो अप है, लास्ट वर्ड क्या है, अप, तो अप में एस को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पिक मी अप। टच मी नॉट प्लांट, एक वर्ड है, टच मी नॉट प्लांट, आपने सुना होगा छुई मुई का पौधा जिसे बोलते हैं, एक प्लांट होता है जिसको आप टच करोगे तो एकदम से वो मुरझा जाता है ना, तो टच मी नॉट प्लांट तो हो जाएगा टच मी नॉट प्लांट्स। तो आपने देखा लास्ट में प्लूरल फॉर्म में जैसे ही चेंज करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एड, एस जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉबैक, देखिए हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है तो ड्रॉबैक्स होते हैं, तो ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्या हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा, कि दो शब्दों से मिलकर ड्रॉ और बैक तो हो जाएगा ड्रॉबैक्स। लुकआउट, लुकआउट बोलते हैं ना, जब भी चौकन्ना रहना या फिर कोई ड्यूटीज निभाना, तो लुकआउट का हो जाएगा लुक आउट, क्या हो जाएगा, आउट, यानी लास्ट में एस ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि इस वाले रूल में क्या बताया गया है, कि जो वर्ड्स, जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनसे मिलकर एक शब्द बन रहा है, यानी कि एक मीनिंग बन रहा है, तो ऐसे शब्दों के लिए जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके साथ में ऐड, एस को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, सम नाउन्स आर दोज व्हेन एस इज एडेड इन द टेल टर्म ऑफ द वर्ड। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक टेल का काम करते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं स्पून को ही ले लूं, तो स्पून प्लस फुल, ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, क्योंकि फुल का कोई मीनिंग नहीं है ना, लेकिन फुल का मतलब होता है भरा हुआ, और स्पून अगर अलग अलग इसका मीनिंग देखेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो अगर ये क्या है, टेल टर्म का काम कर रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि सम नाउन्स आर दोज व्हेन एस इज एडेड इन द टेल टर्म ऑफ द वर्ड, इन द टेल टर्म ऑफ द वर्ड, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पर एस को ऐड किया जाता है, किसमें, जो भी शब्द होता है उसकी टेल टर्म में ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि स्पून फुल, क्या लिखा है, स्पून फुल, तो हो जाएगा स्पून फुल, टेल टर्म क्या है, फुल, तो फुल में एस को ऐड कर दिया जाएगा तो हो जाएगा स्पून फुल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। हैंडफुल, हैंड और फुल दो शब्दों से बना है ना, तो फुल टेल टर्म है तो हो जाएगा हैंड फुल, ठीक है, तो एस हमारा इसमें ऐड हो रहा है। ग्लास फुल, ग्लास भर के, है ना, चम्मच भर कर, ग्लास भर कर, तो ग्लास फुल यानी कि ग्लास फुल। माउथ फुल यानी कि माउथ फुल, माउथ फुल, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, नाउन के कुछ नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, अभी दो जो बचे होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए 9 तक, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमने देखा कि नंबर्स क्या होते हैं ना, व्हाट आर नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ नंबर्स, देयर आर टू टाइप्स, नंबर वन इज सिंगुलर नाउन एंड सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन। व्हाट इज सिंगुलर, सिंगुलर नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, एग्जाम्पल अ स्टूडेंट, अ वुमेन, अ पेन, अ बुक एक्सेट्रा। प्लूरल नंबर, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, मोर देन टू और मोर देन, सॉरी, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट टू और मोर इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, स्टूडेंट्स, वुमेन, मैन, एमी एन मैन एक्सेट्रा। नेक्स्ट, देर आर सम रूल्स रिटन ऑन द ऑन दिस बोर्ड। रूल नंबर वन, जनरली एस इज यूज इन द लास्ट ऑफ एनी नाउन टू मेक प्लूरल नाउन, ठीक है, एग्जाम्पल फ्रेंड, फ्रेंड्स, डोर, डोर्स, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट्स। रूल नंबर टू, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर नाउन इज एस, एस एच डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, देन ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल नाउन, एग्जाम्पल
बेंच बेंचेस, ब्रांच ब्रांचेस, क्विज क्विजेस, बस बसेस, बुश बुशेस, फिश फिशेस, फॉक्स फॉक्सेस। रूल नंबर थ्री, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज बाय एंड कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर बाय, देन आई एस इज एडेड इन प्लेस ऑफ बाय। एग्जाम्पल, ड्यूटी ड्यूटीज, नर्सरी नर्सरीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, पार्टी पार्टीज। रूल नंबर फोर, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज ओ एंड कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर ओ, देन ई एस इज एडेड। एग्जाम्पल, मोटो मोटोज, फ्लैमिंगो फ्लैमिंगोज, इको इकोज। रूल नंबर फाइव, इफ द लास्ट लेटर ऑफ एनी सिंगुलर नाउन इज एफ और एफ ई, देन बी ई एस इज एडेड टू रिमूव एफ और एफ ई। एग्जाम्पल, काफ काफ, हाफ हाफ, सेल्फ सेल्फ, एल्फ एल्फ। रूल नंबर सिक्स, जनरली एस इज एडेड इन द मेन वर्ड ऑफ सिंगुलर कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल, स्टेप सन यानी सौतेला बेटा, स्टेप सन्स, स्टेप ब्रदर स्टेप ब्रदर्स, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ, पासर्स बाय कोट ऑफ मेल कोट्स ऑफ मेल, पिक पॉकेट पिक पॉकेट्स। नेक्स्ट, रूल नंबर सेवन, सम कंपाउंड नाउन आर दोज वेयर बोथ वर्ड्स आर चेंज। एग्जाम्पल, वुमेन सर्वेंट वुमेन सर्वेंट, लॉर्ड जस्टिस लॉर्ड्स जस्टिस, मैन सर्वेंट मैन सर्वेंट्स, लॉर्ड लिटनेस लॉर्ड लिटनेस, मैन टीचर मैन टीचर्स। रूल नंबर एट, सम कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वेयर एस इज एडेड इन द लास्ट वर्ड वेयर एस इज एडेड इन द लास्ट वर्ड। फॉरगेट मी नॉट फॉरगेट मी नॉट्स, गो बिटवीन, पिक मी अप पिक मी अप्स, टच मी नॉट प्लांट टच मी नॉट प्लांट्स, ड्रॉबैक ड्रॉबैक्स, लुक आउट लुक आउट्स। लास्ट रूल ऑफ द सेशन टुडे, रूल नंबर नाइन, सम नाउन्स आर दोज व्हेन एस इज एडेड इन द टेल टर्म ऑफ द वर्ड। एग्जाम्पल, स्पूनफुल स्पूनफुल्स, हैंडफुल हैंडफुल्स, ग्लासफुल ग्लासफुल्स, माउथफुल माउथफुल्स। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज नंबर्स के कुछ रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, जिनके जरिए हम एग्जाम्पल को किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको आते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा रूल नंबर नाइन है एग्जाम के पर्पज से, रूल नंबर एट है और रूल नंबर सेवन है और रूल नंबर सिक्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको आती हैं कुछ नहीं आती हैं, लेकिन आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो डाउट्स हैं वो बने रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से जो चीज़ें बहुत छोटी सी हैं बिल्कुल माइनर से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेशन है आज का, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।